1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों ने काफी अत्याचार किया, जिसकी कहानी शुरू होती है अब। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को गिन गिन कर मारते थे। आतंकवादियों की मुखिया से पूछा जाता है कि आपने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की जान ले ली है, और उनसे यह भी पूछा जाता है कि अगर आपको अपने माँ भाई बहन और पिता को मारने के लिए कहा जाता तो वो क्या कहता। तो वो कहता है कि उसे भी मार देते। इस आतंकवादी के सामने कोई आदमी बाजी की बात नहीं कर सकते हैं। आतंकवादियों द्वारा कहा जाता है कि कश्मीरी रातों रात छोड़कर चले जाए, नहीं तो फिर उसे अपने कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वहां के पंडित लोग कश्मीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पंचतत्व की रचना हुई थी। यह कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और इसे छोड़ना अपने आप को झुकना माना जाता है। वहां के लोग मजबूर होकर अपना धर्म बदल लेते थे, या फिर नहीं तो मारे जाते थे, या फिर भाग जाते थे। कश्मीर पंडितों ने आज़ादी की नारा लगाते हुए लोगों को एकजुट करते हैं और आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी संघर्ष करके उनको अंत में आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ कई नियम कानून बनाए जाते हैं। पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, और फेसबुक पेज पर अपना फ़ोटो ज़रूर भेजें। अगले वीडियो में आपका नाम और फ़ोटो ज़रूर रहेगा। धन्यवाद।